हेलो एवरीवन, सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज में सोशियोलॉजी पीवाईकी का पार्ट नंबर 6 है ये, जिसमें हम दिसंबर 2005 का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन में। देखते हैं फिर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? सुसंस्कृत व्यक्ति के गुण, आचरण के मापदंड, सामाजिक वरीयता, आदर्श। इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है जो मूल्य के अर्थ को दर्शाता है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आचरण के मापदंड। अब देख लेते हैं कि आचरण के मापदंड क्या कुछ कैसे हैं। समाजशास्त्र में मूल्य का अर्थ आचरण के मापदंड को दर्शाता है, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा। अगर मूल्य के बारे में देखें तो मूल्य वह एक सामूहिक धारणा मानी गई है, या यह धारणा हमें है जो यह बताती है कि किसी समाज में जो मतलब कि किसी समाज में संस्कृति में क्या अच्छा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, ऐसी चीज़ों को मतलब कि वो ठहराता है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं और ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि समाजशास्त्र की अगर रुचि के बारे में हम देखें तो इन मूल्यों का वस्तुपरक अध्ययन में समाजशास्त्र की रुचि मानी गई। इस तरीके से हमारा आचरण का मापदंड जो है वो राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है? हर्बर्ट स्पेंसर, मेलिनोवस्की, किंग्सले डेविस, जेम्स फ्रेजर। राइट आंसर है हमारा हर्बर्ट स्पेंसर। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है। अब अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में देखें तो समाजशास्त्र में का जनक कौन है? अगस्त कॉम्टे हैं। कॉम्टे के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है दुर्कीम हर्बर्ट स्पेंसर ने, इन सब ने उसको आगे बढ़ाया हुआ है। लेकिन ये स्पेंसर जो हैं ये ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं, ब्रिटिश समाजशास्त्री और ब्रिटिश दार्शनिक भी माने जाते हैं ये। इन्होंने कहा कि कॉम्टे ने समाजशास्त्र में मतलब कि जिस नक्शे को बनाया है उसमें रंग भरने का कार्य किया है स्पेंसर ने अपनी पुस्तक के माध्यम से। मतलब कि अगस्त कॉम्टे जो थे उन्होंने बस एक आकार दिया हुआ था, लेकिन उसको एक मतलब कि सही तरीके से बनाने का कार्य किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। जिस तरीके से अगर हम देखें कि कला और चित्रकला दो चीज़ें होती हैं, कला क्या होता है? रंगों से भरी होती है, और चित्रकला क्या होता है? बस उसमें आकार बनाए होते हैं। तो उस चित्रकला कहें समाजशास्त्रीय चित्रकला को दिया किसने? अगस्त कॉम्टे ने दिया। और उसको एक कला के रूप में किसने बनाया? हर्बर्ट स्पेंसर ने बनाया, मतलब रंग उसमें भरे इन्होंने। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आवश्यकता सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? इमानुएल दुर्कीम, जी एच मीड, मेलिनोवस्की, मैनहाइम। किसने आवश्यकता के सिद्धांत को दिया है? दुर्कीम ने समाजशास्त्री में उन्होंने जैसे सुसाइड की बात की, सामाजिक तत्व की बात की, सब की बात की है। मीड तो समाजीकरण से संबंधित है। इसका राइट आंसर है मेलिनोवस्की। मेलिनोवस्की जो है आवश्यकता का सिद्धांत को दिया हुआ है। मेलिनोवस्की के बारे अगर हम पढ़े तो ये एक मानवशास्त्री हैं। मानवशास्त्र में प्रकरवादी सिद्धांत के एक मुख्य माने जाते हैं व्यक्ति। इन्होंने अपनी पुस्तक ये जो दिया हुआ है, ये साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में आवश्यकता का सिद्धांत को दिया हुआ है। आवश्यकता इन्होंने तीन प्रकार की बताई हुई है लगभग। जैविक आवश्यकता, पहला जैविक आवश्यकता, दूसरी है सामाजिक आवश्यकता, तीसरी है सांकेतिक आवश्यकता। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बेबर के अनुसार करिश्माई नेता की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पहला, समाज के लिए उसकी शक्तियों की महत्ता, व्यक्तिगत आकर्षण, राजनीतिक अनुयायी, अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता। यही है कि जो करिश्माई सत्ता है या करिश्माई नेता की बात इसमें हो रही है, वो बस वो एक विशेष शक्तियों से प्रभावित ही करता है, विशिष्ट व्यक्ति को या विशेष शक्तियों से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संपूर्ण संस्था के कौन से तत्व हैं? कारागार, संरक्षण, होटल, छात्रावास। कौन सा ऐसे इसमें जो संपूर्ण संस्था के तत्व के रूप में आता है? ये कोट के रूप में है, इसके आधार पर हम देखेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें जो संपूर्ण संस्था है इसकी बात करते हैं गॉफमैन। संपूर्ण संस्था की बात किसने की है? गॉफमैन ने की है। अब गॉफमैन ने किसको संपूर्ण संस्था माना हुआ है? इन्होंने जेल को माना, जेल इसमें है नहीं, आश्रम को माना, आश्रम भी नहीं है,
और पागल खाने को माना, मतलब संपूर्ण संस्था माना हो, तो इसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा है एक और दो, सी राइट ऑप्शन सही, मतलब कारागार और संरक्षण गृह। होटल को भी कुछ लोग मानते हैं लेकिन गॉप मैंने नहीं माना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ है व्यक्ति में सुधार, सीखा हुआ व्यवहार, प्रयोगशाला में सूक्ष्म प्राणियों का विकास, सुंदर गुणों का विकास। इसका राइट आंसर है सीखा हुआ व्यवहार। संस्कृति जो है क्या है, सीखा हुआ व्यवहार है, क्योंकि यह समाज का क्या करती है, संस्कृति अनुरक्षण करती है। और एक साधारण अर्थों में देखें, संस्कृति शब्द का प्रयोग एक सुसंस्कृत या मतलब कि एक संस्कार के अर्थ में ही लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से धर्म का कौन सा प्रकार्य नहीं है, निम्न में से धर्म का कौन सा प्रकार्य नहीं है, सामाजिक सुदृढ़ता को बनाए रखना, सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखना, मानसिक दबाव से छुटकारा दिलाना, या सामाजिक अस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। देखो प्रकार्य समाज मतलब जो कार्य होता है, तो सामाजिक सुदृढ़ता को बनाए रखना ये भी है, सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखना ये भी है, और सामाजिक अस्त्रीकरण को मतलब कि जो क्रम है एक संस्करण को बढ़ावा देना ये भी ठीक है। लेकिन मानसिक दबाव से इसका क्या मतलब है, धर्म से समाजशास्त्री प्रकार में कुछ नहीं, इसलिए हमारा ये होगा नहीं है पूछना, मानसिक दबाव से छुटकारा दिलाना हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि धर्म जो है किससे संबंधित है, पवित्र वस्तुओं से संबंधित है, और विश्वास से संबंधित है, और कर्मकांड से संबंधित है, संगठित व्यवस्थाओं से संबंधित है, और इसके द्वारा क्या होता है, व्यक्तियों की एकता के सूत्र में भी बांधता है ये, क्योंकि जो मतलब कि इसका अनुसरण करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से वो सिस्टमेटिक वे में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिता के भाई के पुत्र वधु निम्न में से किसका उदाहरण है, वैवाहिक नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी, यानी मतलब प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, या फिर वैवाहिक नातेदारी, रक्त संबंधी। देखिए प्राथमिक नातेदारी वो होती है जिसका हमारा एकदम सीधा रिलेशन होता है डायरेक्ट का, और द्वितीयक नातेदारी जो प्राथमिक की नातेदारी होती है उसकी नातेदारी वो द्वितीयक में आ जाती है। रक्त संबंधी जिससे हमारा रक्त का संबंध हो, और जैसे भाई बहन, और वैवाहिक नातेदारी मतलब कि जो विवाहों के द्वारा संबंध को बनाया जाता है उसको वैवाहिक नाते। इसमें क्या है, भाई के पिता के भाई की पुत्र वधू, तो वैवाहिक नातेदारी हो रही है ना, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, उदारता, उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी एवं देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए, उसे क्या कहते हैं, मूल्य, प्रथाएं, जीवन शैली, लोकाचार। देखिए उदारता, उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी और देशभक्ति ऐसे उदाहरण है, ये सब उदाहरण किसके हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा, मूल्य। कैसे होगा, तो मूल्य एक सांस्कृतिक या फिर कह लें कि व्यक्तिगत धारणाएं एवं आदर्श हैं जिसके द्वारा हम वस्तु और घटनाओं को एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं ना, जैसे हमने पूर्ण बताया क्या सही क्या गलत, वे एक कसौटी व्यवहार के पैमाने हैं जिनके आधार पर हम अच्छे बुरे या फिर उचित अनुचित, सही गलत आदि चीज़ों का निर्णय करते हैं। अब उदारता जो है और उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी एवं देशभक्ति, ये सारे उदाहरण जो हैं मूल्य के हैं, जिनकी अभिलाषा, अगर अभिलाषा के बारे में देखें, जिनकी अभिलाषा और उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए तो वह एक मूल्य ही कहा जाएगा, इसलिए हमारा ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया गया है, निम्न में से विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए किस अवधारणा का प्रयोग होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, वैवाहिक संबंधित नातेदारी, या फिर तृतीयक। विवाह द्वारा संबंध मानना है, विवाह द्वारा स्थापित संबंध जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है वही चीज है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जनसंख्या की समरूपता नगर की विशेषता होती है। कस्बों और गांवों की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन शहरों में तीव्र गति से होते हैं। नगरी योजना आधुनिक आविष्कार है। भारत में अधिकतर प्रमुख नगर समुद्र के किनारे यातायात वाले दरिया या नदियों के किनारे बसे हैं। ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, कस्बों और गांव की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन शहरों में तीव्र गति, ये सही है। नगरी योजना जो है आधुनिक आविष्कार, ये भी सही है। भारत में अधिकतर प्रमुख नगर समुद्र किनारे, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें हम कौन सा सही नहीं, ये रहा पहला ऑप्शन, ये हमारा होगा जो सही नहीं है। जनसंख्या की समरूपता नगर की विशेषता होती है, नहीं ऐसा नहीं माना गया है। नगर की विशेषता जनसंख्या की समरूपता नहीं बल्कि जनसंख्या की विभिन्नता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विस्तृत परिवार के सदस्य कौन है? विस्तृत परिवार, दादा दादी, पैसा देकर रहने वाले मेहमान या अतिथि, भिन्न शाखी या नातेदार, या फिर नौकर। हमें कूट के माध्यम से देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। इससे हमारा जो दादा दादी है ये भी एक विस्तृत में जा रहा है। सदस्य कौन से हैं? और भिन्न शाखी नातेदार ये भी है, मतलब शाखा शाखा ये भी है, और नौकर ये भी है। पैसा देकर रहने वाले या फिर अतिथि, ये परिवार नहीं होते, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 3, 4। राइट आंसर 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत से साधारण समाजों में कथन और कारण का है ये। बहुत से साधारण समाजों में धार्मिक प्रवृत्तियां कुछ आर्थिक प्रक्रियाओं का आवश्यक पहलू होती हैं। कारण इस साधारण समाज इन आर्थिक विशेषताओं में पाई जाने वाली दैविक आपदाओं से जागृत होती है। हमें इन कोड के माध्यम से देखना है कौन सा सही है। इसमें देखिए, बहुत से साधारण समाजों में धार्मिक प्रवृत्तियां कुछ आर्थिक प्रक्रियाओं के आवश्यक पहलू होती है, ये तो सही लग रहा है, सही है भी। और साधारण समाज में आर्थिक विषमताओं में पाए जाने वाली दैविक आपदाओं से जागृत, नहीं नहीं ये दैविक आपदाओं से जागृत होते ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही है और आर गलत है। उपरोक्त आकृति निम्न में से किन संबंधों को दर्शाती है? स्वश्रिक बहुपत्नी, अश्रिक बहुपत्नी, भ्रातृक बहुपति या अभ्रातृक बहुपति। इसका राइट आंसर होगा भ्रातृक बहुपति विवाह, ऑप्शन नंबर सी। मतलब जब एक ही भाग में दो जनजातियां रहती हैं और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करती हैं जिससे उनकी आपसी भिन्नता कम होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपसी भिन्नता मतलब तालमेल बैठा रही हैं, संबंध को स्थापित कर रही हैं, तो ये हमारा होगा समायोजन। समायोजन के माध्यम से जो आपसी वाद विवाद या भिन्नता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।